हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों मैं अंकित आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्नोटाइल। तो आज हम बात करने वाले हैं Google के उन तीन फीचर्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर तीनों चीज जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। पहला जो फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है गूगल की इंडिया की तरफ से हुआ है गूगल लर्निंग डेस्टिनेशन। जी, ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टूडेंट्स लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हेल्प होते हैं उन गार्डियंस की, टीचर्स की, उन स्टूडेंट्स की जो लर्निंग और टीचिंग एक साथ कर सकते हैं। जी, स्टूडेंट्स लर्न कर सकते हैं, टीचर्स टीच कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। लॉकडाउन के चलते बहुत से स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई पे जो इफेक्ट पड़ा है उसको देखते हुए गूगल इंडिया ने ये प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पे टीचर्स टीच कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को। जी, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है जो कि यूट्यूब क्रिएटर्स, जो क्रिएटर्स हैं, जो एजुकेशनल क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने वो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु जैसी लैंग्वेजेस में आपको ये लर्निंग इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो गूगल ने इंट्रोड्यूस की है, जो इससे कि जो पढ़ाई पे जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई को देखते हुए उनके पढ़ाई पर पड़ने वाले इफेक्ट को कम करने के लिए या उनकी पढ़ाई पे इफेक्ट ना पड़े उसे देखते हुए इस प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया है, जो सरकार की मदद से की गई है। दूसरा जो फीचर गूगल मीट करके है जिसमें प्रीमियम एक्सेस मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, गूगल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम एक्सेस दिया गया है गूगल मीट का, जिसमें एजुकेशनल मोड पे 250 पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी, पहले जो गूगल मीट था वो बिजनेस ओरिएंटेड था जहाँ पे अप टू 30 पर्सन ही कनेक्ट हो सकते थे, लेकिन अभी से एजुकेशनल मोड पे ले जाया गया जहाँ पे 250 तक एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, जहाँ ऑडियो, वीडियो और स्क्रीन शेयर की जा सकती है। तीसरा जो फीचर गूगल की तरफ से जो इंट्रोड्यूस हुआ है जिसके अंदर आप गूगल मैप या सर्चेज के जरिए आपके आसपास फूड या शेल्टर होम्स, नाइट शेल्टर होम्स को फाइंड कर सकते हैं। तीसरा ये फीचर था जो गूगल ने इंट्रोड्यूस किया। तो ये तीनों ही फीचर बहुत काम की चीज है जो गूगल इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है, जो इंडिया के अंदर अब अवेलेबल हो गए हैं। तो आप इन सब फीचर्स का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं और इसका पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। और ये गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की हेल्प से ही गूगल ये सब कर पाया। तो थैंक यू सो मच गाइज आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए। ये तीन फीचर्स है जो मुझे आपको बताने थे, जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था। जिन स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई को लेकर के जो चिंता थी कि कैसे वो पढ़ पाएंगे या कैसे वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे, तो उन सब चीज़ों को लेकर गूगल की तरफ से ये कुछ फीचर्स जो प्रोवाइड करवाए गए हैं, अब स्टूडेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। और बहुत जल्द लॉकडाउन के टाइम पर देखते हुए गूगल ने ये सब फीचर सरकार की मदद से आप लोगों को प्रोवाइड करवाया। तो थैंक यू सो मच गाइस आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए। आगे चल के मैं ऐसे ही आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।